और बड़ा सवाल ये कि क्या खुलासों से खुलेगा सुशांत की मौत का राज। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सुशांत मौत मिस्ट्री में सामने आया ऑडियो क्लिप से सनसनी फैल गई है। ऑडियो क्लिप में सुशांत के साथ रिया शोविक, रिया के पिता की आवाज सुनाई पड़ रही है। 36 मिनट का ये ऑडियो क्लिप है जिसमें सुशांत की फ्यूचर प्लानिंग के सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं। ऑडियो क्लिप में सुशांत फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट के संकेत दे रहे हैं। ऑडियो क्लिप में ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर भी बातचीत हो रही है। अपने पैसों को इन्वेस्ट करने की बातचीत करते हुए सुशांत सिंह राजपूत सुनाई पड़ रहे हैं। सुशांत की जिंदगी और पैसों पर रिया और उसके परिवार का कंट्रोल था, ये इस ऑडियो क्लिप जो सामने आई है उससे जाहिर होता है। ऑडियो क्लिप से ये साफ हो जाता है कि रिया ट्रस्ट बनाना नहीं चाहती थी। सुशांत के आर्थिक फैसलों पर रिया का अहम रोल होता था। रिया के पिता भी दौलत बांटने की बात करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी ने भी म्यूचुअल फंड की सलाह दी थी सुशांत सिंह राजपूत को। सुशांत के नए ऑडियो क्लिप से मची सनसनी। क्या सुशांत की आवाज खोलेगी मौत के राज? सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनकी मौत की मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठ सका है। सुशांत ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या हुई, ये सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है। सुशांत की मौत से जुड़ी गुत्थी को सुलझाने के लिए CBI रात दिन लगी हुई है। सुशांत की जिंदगी और मौत को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सुशांत सिंह से जुड़ी एक अहम ऑडियो क्लिप सामने आई है। इस ऑडियो क्लिप को इसी साल जनवरी महीने का बताया जा रहा है। 36 मिनट के इस ऑडियो क्लिप में सुशांत, उनकी गर्लफ्रेंड रिया, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया के भाई शोविक, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और वित्तीय सलाहकारों के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर बातचीत हो रही है। इस ऑडियो क्लिप में सुशांत अपने भविष्य को लेकर बात करते सुने जा सकते हैं। 36 मिनट के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद यही लग रहा है कि सुशांत अपनी फ्यूचर प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर काफी फिक्रमंद थे। सुशांत ट्रस्ट के जरिए आगे की प्लानिंग कर रहे थे। Talked about a worst case scenario yesterday, and that was the worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind. So yeah. That's probably the worst case. So the worst case I can ever see. Which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up. सुशांत के सवाल पर उनकी पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी ट्रस्ट के बारे में सलाह दे रही हैं, जबकि सुशांत ट्रस्ट के बारे में और जानकारी चाह रहे हैं। ट्रस्ट बनाने को लेकर सुशांत फंड मैनेजर और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के बीच अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि इस बीच रिया चक्रवर्ती भी सवाल करती हैं। For example, if we have say 10 rupees that has to go in this trust, and suppose you want to make an FD or a mutual fund of it. That's still the trustees can. The trustees will decide what is best. Will decide what is best to be done. Which has a better return rate and which less risky. You can define all that. It can be a simple or a huge document. इस बातचीत को सुनने से साफ पता चलता है कि सुशांत के financial decision में रिया बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इस audio में भी रिया सुशांत को लेकर एक चिंता जाहिर करती सुनाई दे रही है। No, my bigger concern is this, that honestly at this point of time, any contract that is being arrived right. at. is going to be null and void. Right. He's not. It's true legal definition is that you're not in a sound state of mind. Correct. So whatever we contract today is null and void. And that's my biggest concern. Riya ke baatcheet se saaf hai ki wo trust banane ke favor mein nahi lag rahi thi. जिसके बाद सुशांत की पूर्व मैनेजर सुशांत को ट्रस्ट के आइडिया को छोड़कर कहीं और इन्वेस्ट करने का सुझाव दे रही हैं। लेकिन इस बीच ऑडियो क्लिप में एक नए शख्स की आवाज सुनाई देती है। बताया जा रहा है कि ये आवाज रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती की है। वो क्या पूछ रहे हैं ये भी सुनिए। So what is the just to have an idea, the mix like
Typical investment bankers will look at 30% equity, 40% debt, 20% of liquid, and standardized. They'll give a different jargon, same thing, same chart papading to different persons. इसके बाद सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी आखिर में उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देती हैं। No, and I think the most popular vote goes to mutual funds only. It's just like what are the kinds of mutual funds you pick up, and in that they have funds that they rank every single quarter as, who are the most highest performing funds. The other is blue chip stocks and shares, but honestly for that he needs to be involved also. So I would say not right now. That pehle kiya hota was a different thing, but not right now. So easiest is to just park it in a good portfolio of mutual funds and see what you get. Halanki Sushant, रिया और बाकी लोगों के बीच बातचीत की इस ऑडियो क्लिप को लेकर आधिकारिक पुष्टि रिया के वकील की तरफ से नहीं की गई। 36 मिनट की इस ऑडियो क्लिप से इतना तो साफ है कि सुशांत फ्यूचर प्लानिंग और अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर काफी फिक्रमंद थे। साथ ही ये भी साफ है कि सुशांत के हर फाइनेंशियल डिसीजन में रिया का अहम रोल था। मुमकिन है कि इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद CBI और ED रिया और इस बातचीत में शामिल बाकी लोगों से भी पूछताछ करे, ताकि सुशांत की जिंदगी से जुड़े कुछ और राज से पर्दा उठ सके। टीम न्यूज नेशन। और देखिए, रिया से तो 17 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है, आज तीसरा दिन है रिया से पूछताछ का, और इस तीसरे दिन भी रिया से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। और आज क्या कुछ होने जा रहा है ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई के DRDO गेस्ट हाउस का, जहां पर मौजूद है न्यूज नेशन संवाददाता विकास श्रीवास्तव। विकास, बताइए आज क्या कुछ होने जा रहा है, आज रिया से भी तीसरे दिन लगातार पूछताछ होगी? जी बिल्कुल, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले ही सीबीआई की वो तीन टीमें जो कि रिया से पूछताछ कर रही हैं, वो DRDO दफ्तर पहुंची हैं। आज भी उन्हें बुलाया गया है। मुमकिन है कि 11 बजे के बाद वो और उनका भाई शोविक चक्रवर्ती यहां पर पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होने जा रही है वो ये कि सिद्धार्थ पिठानी के साथ बिठाकर उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जवाब हैं जिनसे सीबीआई संतुष्ट नहीं है और उनके गोलमोल जवाब जो हैं रिया की तरफ से दिए जा रहे हैं, और इसी वजह से सिद्धार्थ पिठानी के साथ बिठाकर पूछताछ करने की बात सामने आ रही है। सिद्धार्थ सीबीआई को ये बता चुका है कि रिया सुशांत के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का धड़ल्ले से इस्तेमाल करती थी, जमकर शॉपिंग करती थी, लेकिन इस बात को रिया मानने तैयार नहीं है। कल 7 घंटे की पूछताछ में 6 घंटे उनसे वन ऑन वन पूछताछ हुई। ठीक है, ठीक है, आपने बताया कि कल एक घंटे सिद्धार्थ पिठानी के साथ आमने सामने पूछताछ हुई। लेकिन विकास, मैं आपसे सवाल उस ऑडियो क्लिप के बारे में जानना चाहूंगी जो वायरल हुआ है, जिसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत चल रही है, सुशांत के भविष्य को लेकर बातचीत चल रही है कि कैसे ट्रस्ट बनाना है। ये बातचीत कितना इम्पैक्ट कर सकती है ये जो जांच चल रही है इस पर? ज्योति, देखिए ये बातचीत पूरी दिशा को एक नया मोड़ दे सकती है, क्योंकि इसके पहले से ये थियरी है कि रिया चक्रवर्ती, उनका परिवार और रिया से जुड़े लोग सुशांत की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखल रख रहे थे, और न सिर्फ वो उन्हें फाइनेंशियल एडवाइस देते थे बल्कि उनके भविष्य की दशा दिशा भी यही लोग तय करते थे। ये 36 मिनट की जो ऑडियो क्लिप है उसमें कई बार आपको रिया, रिया का परिवार और उनसे जुड़े लोग, मसलन श्रुति मोदी, ये कहते सुनाई पड़ जाएंगे, जिसमें कि उनके भविष्य को लेकर, उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या होंगे। मैं ये बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे और भविष्य को लेकर उनके कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, वो कई प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते थे, वो खेती बाड़ी से जुड़ना चाहते थे, लेकिन बावजूद इसके उनका भविष्य कैसा हो उसको तय करने वाले ये लोग थे। तो ये 36 मिनट की क्लिप जो है ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द मंडराता रहता था, ताकि वो ये तय कर सके कि सुशांत के कमाए हुए पैसों का कहाँ इस्तेमाल होना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट होना है, और किस किस्म से दखल अंदाजी है। बहुत शुक्रिया विकास, नजर आप बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट आएगा आपके पास पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई की टीम DRDO गेस्ट हाउस पहुंच गई है। सीबीआई की 2 सदस्यों की टीम गेस्ट हाउस पहुंची है, और यही इसी गेस्ट हाउस में ही रिया चक्रवर्ती से आज तीसरे दिन पूछताछ होगी। और आपको बता दें कि आज रिया चक्रवर्ती के सामने सिद्धार्थ पिठानी को बिठाया जाएगा, उन आमने सामने दोनों को बिठा करके सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। कल भी 6 घंटे तक तो रिया से पूछताछ हुई, और उसके बाद का जो 1 घंटा था उसमें
सिद्धार्थ पिठानी को किस सामने बिठाकर रिया को पूछताछ हुई है और आज भी आमना सामना कराया जाएगा। सीबीआई के सदस्य मौजूद रहेंगे, सीबीआई की टीम मौजूद रहेगी। सिद्धार्थ से सवाल पूछा जाएगा, रिया से सवाल पूछा जाएगा, दोनों से काउंटर सवाल पूछे जाएंगे और दोनों आमने सामने होंगे और तब भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब सच्चाई खुलकर निकल कर सामने आएगी और काफी कुछ सीबीआई की टीम को पता चलेगा। वरुण मन पूछताछ हो चुकी है, अब साथ में बिठाकर पूछताछ होगी आज सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती आमने सामने। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सुशांत सिंह केस में आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती से तीसरे राउंड की पूछताछ करेगी। कल सीबीआई ने रिया से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान सीबीआई ने 6 घंटे तक रिया से अकेले भी पूछताछ की और 1 घंटे सिद्धार्थ पिठानी से रिया का सामना करवाया गया। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने रिया पर सुशांत के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से शॉपिंग करने का आरोप लगाया। और आपको बता दें कि ये देखिए रिया के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें रिया के घर से आप देख रहे हैं। अब रिया के इसी घर से रिया चक्रवर्ती निकलने वाली है, मुंबई पुलिस पहुंच चुकी है, चूंकि मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट करके रिया को डीआरडीओ गेस्ट हाउस लेकर जाएगी। परसों रात को जब रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ की थी तो सीधे रिया अपने भाई शोविक के साथ पुलिस स्टेशन गई, वहां से पुलिस सिक्योरिटी उनको मिली, फिर वो अपने घर पहुंची। कल पुलिस प्रोटेक्शन में ही रिया सीबीआई कि जहाँ पूछताछ चल रही है डीआरडीओ गेस्ट हाउस वहां पहुंची थी और उसके बाद पुलिस ने एस्कॉर्ट करके वापस घर तक पहुंचाया। पुलिस की ही सुरक्षा में रिया चक्रवर्ती निकलने वाली है, पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती से आज तीसरे दिन। लगातार जो भी अपडेट आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। यहां रुक रहे हैं बस कुछ ही देर के लिए।